ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के बड़ी चौक के पास शाम के समय तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जिसके कारण दुकान में वेल्डिंग का काम कर रहे व्यक्ति अशोक कुमार के साथ एक महिला को भी गहरी चोटें पहुंची हैं। गनीमत रही कि दुकान के अंदर घुसी कार के पिलर से टकराने के कारण कार बंद हो गई, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। हमीरपुर के बड़ू चौक के पास शाम के समय तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जिसके कारण दुकान में वेल्डिंग का काम कर रहे व्यक्ति अशोक कुमार के साथ एक महिला को भी गहरी चोटें पहुंची हैं। गनीमत रही कि दुकान के अंदर घुसी कार के पिलर से टकराने के बाद कार बंद हो गई, जिसके कारण बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बड़ी तेजी के साथ आई कार नंबर HP74A 5405 लम्बलू की ओर से आई और कार चालक का नियंत्रण खोने की वजह से दुकान के अंदर घुस गई। घटना में कार चालक बाल बाल बच गया। तो घटना में घायल व्यक्ति अशोक कुमार और एक अन्य महिला को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन की है और मामला दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शी राणा ने बताया कि दुकान पर काम कर रहा था और तेज रफ्तार कार आई और दुकान के अंदर घुस गई, जिसमें दो लोगों को गहरी चोटें पहुंची हैं। उसने मारा पैर में चला गया नीचे। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, गाड़ी आ रही थी इधर से, पूरा फास्ट, एकदम फास्ट गाड़ी थी। जब मैं हटना चाहा तब तक गाड़ी आ चुकी थी, फिर उसने टक्कर मारा मुझे, मैं नीचे चला गया नाली में। फिर मेरा देखो पूरा जो हाल है, मतलब इसने बदला, हमने बदल भी नहीं था, हाथ ऊपर उठ नहीं रहा हमारा, बस यही।